फाइनली नई गाड़ी भाई को ले ली, मुबारक हो। और अब मैं इसमें बैठने जा रहा हूँ, मैं बैठूंगा पहले। खाना खाने जा रहे तो विशेष कह रहा है, भैया जिंदगी में इंसान दो चीज नहीं ले पाता है, एक तो चप्पल और एक अंडरवियर। मैंने कि सही कह रहे हो यार, मैं तो रियलिटी दिखाऊं। देखो फोन में 2 लाख का चला रहा हूँ, 16 प्रो मैक्स से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी चीज दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो, चप्पल नहीं ले पा रहा, टाइम नहीं है। एक्चुअली टाइम नहीं, क्या कुछ बताऊं क्या, मतलब जब जाता हूं तो भूल जाता हूं, जो शूज पहन के रहता हूँ ना तो स्लीपर का याद ही नहीं रहता यार, जब जा रहा हूँ। पर आज या कल में तो मैं ले ही लूंगा। ये रहे हमारे गोपाल भाई। यार गोपाल भाई क्या हाल है? बढ़िया। अरे चमक रहे हो यार तुम तो। क्या करे भैया, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। आज का दिन होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हुंडई के शोरूम। क्या करने जा रहा हूँ? अरे हुंडई के शोरूम जा रहा हूँ तो गाड़ी देखने जा रहा हूँ, अगर गाड़ी सही मिल गई तो आज ही बुक कर दूंगा भाई, आज ही जाओ। अगर बस तुम देखते रहना ब्लॉग, अगर तुमने ये वाला ब्लॉग मिस कर दिया तो तुम कहोगे भाई बहुत कुछ मिस कर दिया। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ लखनऊ मेट्रो, अंकित भाई जो है हजरतगंज पे वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से बैठा हूँ। हाँ थक गया भाई, इतना जोश है ना, गाड़ी लेने जा रहा हूँ। यस चलो दिखाता हूँ तुम्हें मेट्रो, मेरे पास कार्ड है। ये रही लखनऊ मेट्रो, कितनी क्लीन और साफ रहती है। यहाँ ब्रांडिंग वगैरह करा सकते हो आप, यहाँ सिक्योरिटी वगैरह, टिकट काउंटर इधर है। चलो जा रहे हैं अंदर। और ये रही अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ, खड़े हो जाओ अपने आप चल जाओगे। देखो ये धीरे धीरे ऊपर चलते चले जाओगे, तुम्हें दिखाओ, देखो अपने आप चलते चले जाएंगे। नीचे थे ऊपर आ गए, इतने ऊपर आ गए और ऊपर अपन जाएंगे। अभी पर मेट्रो आने में अभी 4 मिनट का टाइम, देखो ये मेट्रो का। जो जो लोग मेट्रो में नहीं बैठे हैं ये लखनऊ की, तो आओ देख लो ऐसी मेट्रो है, क्लीन, एकदम प्योर क्लीन मेट्रो। आ गई मेट्रो, देख रहे मेट्रो आ गई गाइस। अब गेट खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, देखो ऐसे खुलते हैं ऑटोमेटिक गेट, खुल जा भाई, विजिट कराएगा क्या खुलेगा। कैसे यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, और मेरे पीछे ये बैठा है, देखो आप मिल गया था हजरतगंज में, नेटवर्क नहीं आ रहे थे फिर भी ये ढूंढ ढूंढ के आ गया कि मैं आ रहा हूँ, बस मैंने बता दिया था उधर से। और कहाँ पहुँचे हम लोग, कृष्णा नगर पे, पूरी मेट्रो खाली हो गई, देखो बहुत जल्दी खाली हो जाती है, बस 4 बजे तक भीड़ रहती है। फाइनली आ गए गाइस ट्रांसपोर्ट नगर, यहीं पर है पास में ही, यहाँ से 2 मिनट की पैदल की रास्ता है। तो मैं और अंकित भाई हमारे हमेशा की तरह फ़ोन पर बिजी, जब देखो तब यार इस बंदे को कितना काम है, लड़कियों से बताने की कभी फुर्सत ही नहीं है कहीं इसको। मुझे ये तो नहीं लगता कहीं ये वो समय तो नहीं काम करता, वो जो आपका समय टाइम पास नहीं हो रहा, घर पे अकेला फील कर रही है, इसी में काम करता है। तो इसमें आंटी जो घर पे फ्री रहती है ना, आंटी जो फीमेल वगैरह, वही बताता रहता है उन्हीं से ये। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं, और समझ रहे हो, लाख मिनटों के बाद हम पहुँच गए हैं SAS हुंडई वेलकम्स यू। बढ़िया, यहीं पर देख रहे हो एंट्री करते हुए, वाव। फाइनली हम एक गाड़ी में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नया फीचर हुंडई की है तो बढ़िया गाड़ी। इसका मैं अभी सारी डिटेल बताऊंगा आपको, आर्म रेस्ट वगैरह भी है और ये सब है। ये रही इसका स्टेयरिंग, बहुत बढ़िया है यार, ये देख रहे हो हुंडई की, वाव। इस पे सारे फीचर्स यहाँ पे ही हैं, इसके सारे कंट्रोलर जो बटन होते हैं सारी चीज़ें। डिस्प्ले आप देख रहे हो कितनी बढ़िया, ये पूरी यहाँ तक है, बहुत बढ़िया। इसकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी देख लेता हूँ उसके बाद। पहले हुंडई वालों की चाय वो कॉफ़ी पी लें, ये देखो। और भैया अगर आपको लेनी है तो भैया से संपर्क जरूर कर लेना, एक गाड़ी तो वही सही है मुझे भी, ये देख रहे हो कितनी सारी डिलीवरी के लिए खड़ी हैं। ये है ग्रैंड i10, आइए अंदर से दिखाते हैं आपको। ये जैसे ही आप अंदर बैठोगे, आ जाओ लेके आओ, पास लेके आओ। और इसको बस नॉर्मल कई सारी चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ है। और ये पता ज़्यादा ऑटोमेटिक है, मैंने ऑटोमेटिक चलाई नहीं है ना तो मुझे आइडिया नहीं इसलिए, पर ये है बढ़िया, देखो सीट एकदम बढ़िया चीज़ है इसमें बैठने के लिए। और मैं दिखाऊँ तुम्हें पास से, देखो गेट खुला हुआ है ना ये वाला, देखो इसलिए यहाँ पे डिजिटली लगी हैं सारी चीज़ें, ये बढ़िया, ये देख रहे हो तगड़ी चीज़ें हैं। और इसका जो ये है, इसको क्या बोलते हैं,
गियर सिस्टम वाला बस है, एक सामने के लिए, बैक के लिए, एक नॉर्मल के लिए, बस तीन ही चीज़ें हैं इसमें और कुछ नहीं है। पर इसकी स्टेयरिंग सबकी प्यारी है भाई, उन देख रहे हो, देखो अभी खड़े पे इतनी नॉर्मली घूम रही है ये। चलो देखते हैं कौन सा क्या समझ में आएगा। दो घंटे, दो नहीं तीन, तीन घंटे बर्बाद करने के बाद फाइनली कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया। इन्हें नहीं मुझे समझ में आ रहा तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा, और इन्हें समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो फिर कल एक जगह और जाना है, दूसरी जगह, तब दिखाएंगे। अभी चलते हैं वापस, वापस से गाड़ी उठाएंगे और हजरतगंज में मिलते हैं तुम्हें। मेट्रो स्टेशन की घड़ी बहुत प्यारी है, देखो है प्यारी घड़ी। और ये अब ले रहे हैं टोकन, इनसे कितनी बार कहा मैंने कार्ड ले लो, पर इनसे कार्ड नहीं लिया जाए। कहाँ है, जब तक तुम कार्ड नहीं लोगे ना ऐसे ही टोकन का बनाते रहोगे, समझे। किधर से चलना है हम लोग को, इसका टॉयलेट। गाइस आज हम आपको दिखाएंगे मेट्रो की टॉयलेट कैसी होती है। मेट्रो में बाथरूम वगैरह वॉशरूम की सुविधाएं भी होती है भाई, जिसको लगता है नहीं होती है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो सुविधाएं बढ़िया। चलो टॉयलेट में चलो मेरे साथ, वॉशरूम में गाइस अंकित के साथ साथ जा रहे हैं, अंकित के साथ साथ जा रहा हूँ भाई। वॉशरूम में आके भी हम व्लॉग बना रहे हैं गाइस, देख रहे हो पहला ऐसा दिखा दूं चलो छोड़ो नहीं दिखा रहा यार, लड़कियां भी देखती है ना इस व्लॉग को, इसकी फ्रेंड भी देखती है ना। 18+ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18+ का, क्या है भाई, वॉशरूम तो सबको आता है, ये तो क्या कहते हैं प्राकृतिक है, विधि का विधान है भाई। मैं मुंह धुल लिया बस अंदर आके, कुछ नहीं किया भाई। अभी जा रहे हैं श्रृंगार नगर और तुम्हें मिलाएंगे अपनी एक, क्या बताओ बताओ, दोस्त, हसीन दोस्त से। देख कितने खुश हो रहा है, देखो भाई इतनी खाली है, मैं लेट के जाऊंगा इसमें। लेट के जा सकते हो आप, इतना खाली है यार, पर नहीं भाई, शहर के जिम्मेदार नागरिक बनो और जब भी ऐसी सीट खाली मिले तो बैठ के जाओ, लेट के नहीं भाई, इसमें लेट में अलाउ नहीं है। देख लो भाई आते ही गिफ्ट मिल गया है ना, यही देखो फायदा होता है। ये क्या है, कप? नहीं भाई वो है, वॉच है। हैप्पी बर्थडे भाई, बताया नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है भाई, तुमने बताया नहीं बर्थडे है तुम्हारा, मैं भी पार्टी दूंगा। चलो भाई पार्टी देंगे, चलो भाई थैंक यू भाई को कब गिफ्ट मिला है दिखाओ, हमें दिखा तो दो भाई, चलो रैंडम मत दिखाओ। गाइस फाइनली दुल्हन को पर्दा डाल दिया गया है, अभी तुम्हें दिखाऊंगा भाई बताओ हो गया भाई, बड़ी मेहनत करने के बाद मिल गया, बड़ी मेहनत करने के बाद, देख रहे हो आप तुम अंदाजा लगा सकते हो कौन सी गाड़ी है ये, किसमें तो उसमें टाटा ही तो दिख रहा है, ये तो हम तो नहीं दिख रहा टाटा की कौन सी गाड़ी है। अभी इसके पर्दा हटाया जाएगा तब हम दिखाएंगे आपको। तो ये रही टाटा की हैरियर, आइए इसमें अंदर से चलते हैं, देखो ज्यादा मन लग मत जाना दिया, आओ बैठते हैं इसमें हैरियर में। वाओ गेट ये मैंने कर लिया बंद भाई, बहुत भारी गेट है ये, देखो भाई कैसा लग रहा है टाटा हैरियर में बैठ के, एकदम बढ़िया। पर एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में बैठते ही ना थोड़ा अजीब सा वो बढ़िया, एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। सही है, सीट इसकी, आर्म रेस्ट, और ये पर नॉर्मल वाला है ये, पता देखो तुम्हें बताऊं ये बैक ऐसे पर वो लिखा है, ये सामने लिखा है, ठीक है। अच्छा तुम बैक गियर डाल के दिखाओ इसमें, मैं भाई इस पर गैप बैक गियर डलवाऊंगा, डालो बैक गियर इसमें, ये बढ़िया सनरूफ, सनरूफ भी है भाई, हां अब खोलना नहीं है, रुको अभी खोलूंगा, चलो अभी तुम्हें सनरूफ खोल के देखो। तो भाई अब इसका पर्दा उठने की बारी है, और भाई को बहुत बहुत बधाई गाड़ी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सर भैया कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, भाई को जितने भी भाई आ रहे हैं, और अभी इसका पर्दा उठवा देंगे फिर दुल्हन का चेहरा दिखा देंगे सबको, ठीक है भाई चलो। गाइस फाइनली नई गाड़ी भाई को ले ली, मुबारक हो, और अब मैं सर बैठने जा रहा हूँ, मैं बैठूंगा पहले, है भाई कैसा कैसा फील आ रहा है, तो फाइनली भाई गाड़ी में बैठ के मजा आ रहा है, और मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, एक देखो इधर पास से आओ, दिखाओ 1 2 3 जय श्री राम भाई, स्टार्ट हो गई गाड़ी, भाई बढ़िया 360 कैमरा भी लगा भाई एसी के। चलो गाइस फिर फाइनली अब इसके टेस्ट ड्राइव करेंगे, फिर बाद में दिखाएंगे आपको जय श्री राम।
भाई गाड़ी वाड़ी देख के आगे रूम पे वापस, और ब्लॉग को कर देते हैं खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।